नमस्कार दोस्तों, आज हम कटिंग करने जा रहे हैं जेंट्स में शॉर्ट कुर्ता की, जो कि मोटे आदमी का है हैवी साइज में। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, डबल आर्ज का कपड़ा है हमारा। तो दोस्तों इसका नाप बता देते हैं, तो इसका नाप है 33 इंची लंबाई है, 48 इंची सीना है, 46 इंची कमर है, 48 इंची हिप है, 20.5 इंची तीरा है और 10.5 इंची बाजू है, 15 मोहरी है, 19 इंची कॉलर है। दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीना, कमर और हिप जो सबसे ज़्यादा हो उसका चौथाई करके उसमें 3 इंची और मार्जिन के लिए ऐड करने के बाद कपड़ा रख लेंगे हम। तो इसका चौथाई था, हिप का चौथाई 48 का चौथाई हुआ 12 और 3 15 इंची रख लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। अब ऊपर के जो मार्जिन के लिए सीधा मार्का लगा लेंगे, एक्स्ट्रा निकाल देंगे उसमें से। अब जो सीना का चौथाई है, सीना है 48 का चौथाई हुआ 12 इंची हम आर्मोर रख लेंगे तो ये लटक जाएगा, तो इसमें हम 1 इंची कम करके 11 इंची आर्मोर रखेंगे। तो 11 इंची पर मार्का लगा लेते हैं। अब दूसरी साइड में भी 11 पर लगा लेते हैं। अब इस मार्का को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब सीना के चौड़ाई में चौथाई लगाएंगे पूरा, यानी कि 1248 12 लगाएंगे और 2 इंची लूजिंग ऐड कर देंगे। लूजिंग अब आप अपनी हिसाब से ऐड कर सकते हो, ज़्यादा फिटिंग में है तो 1.5 इंची और मीडियम में है या तो 1.25 इंची रख लेंगे। अब कंधी के लिए हम 2 इंची डाउन करेंगे। अब 2 इंची डाउन करके सीधा मार्का लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें गले के निशान के मार्का लगाने हैं। तो हमारा कॉलर था 19 इंची, 19 का 5वां भाग लेंगे तो लगभग हमारा 4.25 इंची आएगा। तो 4.25 पर मार्का लगा लेंगे चौड़ाई में, 4.25 पर लगाएंगे लंबाई में। अब इन निशानों को सीधा करेंगे दोनों तरफ और गोलाई निकाल लेंगे, अच्छे से गोलाई निकालेंगे इसकी इस तरह से। अब दोस्तों अब हमारा तीरा है 20.5 इंच, तो 20.5 का हाफ हुआ 10.25 और 10.25 में 0.5 इंची मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारा 11.5 हो गया। 11.5 पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम इस सीधी फंटी से इन निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। अब चेस्ट का जो निशान है और तीरा पे जितना आया 11.5 उसके बराबर रख लेंगे और 1 इंची अंदर की तरफ भी निशान लगा लेंगे, उससे हमारे सीने पे अच्छी फिटिंग आएगी। और इस राउंड वाली फंटी से इस तरह से मार्का लगा लेंगे। अब इसमें राउंड दे देंगे इस तरह से, अच्छे से मार्का राउंड लगा लेंगे। अब दोस्तों कॉलर लिख लेंगे इसका 19 इंची। अब हमें कमर के जो निशान लगाने हैं, सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी 33, 1 इंची प्लस में रखेंगे क्योंकि 0.5 इंची नीचे मार्जिन में चला जाएगा, 0.5 इंची ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। 34 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से दोनों दो जगह। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे इस तरह से। अब हमें कमर का निशान लगाना है तो हम यहाँ से
सीना वाले मार्के से 7 इंची पर कमर का निशान लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से 6.5 या 6 आप रख सकते हो, लेकिन मैं 7 इंची रखूँगा। ऊपर से निशान लगाएंगे तो हम 17.5 या 18 पर लगा लेंगे, क्योंकि हैवी साइज है इसमें। अब इस निशान को सीधा करेंगे इस तरह से। अब हिप का मार्का लगाएंगे तो हम पॉकेट का 6.5 इंची मुंह खोलेंगे। तो सबसे पहले 6.5 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब 2 इंची की इसमें टांकी लगाएंगे, जो पॉकेट के नीचे टांकी आती है, 2 इंची की टांकी का निशान लगा लेंगे। अब ये हमारे हिप के निशान हो गए। अब इन निशानों को सीधा करेंगे इस तरह से, निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हमारी कमर थी 46 इंची, तो 46 का चौथा ही आया 11.5। 11.5 पे मार्का लगाएंगे। 11.5 पे मार्का लगाने के बाद 2 इंची लूजिंग ऐड कर देंगे इसमें, तो 13.5 इंची हो जाएगा। ये 2 इंची लूजिंग ऐड करेंगे इसमें, 13.5 हो गया। अब हिप हमारी 48 का चौथा ही 12 पे मार्का लगाएंगे। अब हमारा 2 इंची लूजिंग हो गई, तो 14 हो गया। अब इसके घेर का मार्का लगाएंगे हम 0.5 इंची प्लस कर देंगे, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती तो 1 इंची प्लस करते, लंबाई कम है तो 0.5 इंची प्लस करेंगे। 14.5 पर निशान लगा लेंगे। अब हम राउंड वाली फंटी से इन निशानों को मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से निशान मिला देंगे सीना से कमर तक, कमर से हिप तक, और इस निशान को स्ट्रेट लगा देंगे। अब हमारे फ्रंट के निशान लग गए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों कटिंग हम बिल्कुल निशानों पर ही करेंगे, कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं कटिंग करेंगे, बिल्कुल निशानों पर ही कटिंग करेंगे। अब दोस्तों, अगर आपको सफारी शर्ट की कटिंग करना सीखना है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में अपना वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से कटिंग करना सीख सकते हो। और फुल कुर्ता यानी फिटिंग का कुर्ता की कटिंग भी मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लगा दूंगा, आप वहां से फुल कुर्ता की फिटिंग में स्लिम फिट जो आजकल लेटेस्ट में चल रहा है उसकी वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से सीख सकते हो। तो दोस्तों, मैं लेटेस्ट में ट्रेंडिंग में चल रहा है उसकी वीडियो बनाता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। तो दोस्तों, अब इसको हमने कोने की तरफ 0.5 इंची कम काटा है, ताकि हमारे कोने लटके ना, हल्का सा गुलाई लगा के। तो हमारी फ्रंट की कटिंग रेडी हो गई इस तरह से। अब इसके चटके लगा लेते हैं, तीन जगह चटके लगाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों, अब हमें फ्रंट की कटिंग हो गई। अब बैक की कटिंग, हम जितना हमने फ्रंट के लिए कपड़ा लिया था 15 इंची, उतना ही हम बैक के लिए कपड़ा लेंगे 15 इंची, और इसको सीधा कर लेंगे।
अब इसे सीधी फंटी से मार्जिन को सीधा कर देंगे और मार्का लगा लेंगे। अब इसके ऊपर फ्रंट बिछा लेंगे और जो हमने बैक में मार्का लगाया है उससे 2.5 इंची फ्रंट को नीचे रखेंगे। इस तरह से 2.5 इंची नीचे रखेंगे और 2.5 इंची ही कंधे की तरफ ऊपर उठा देंगे उसको इस तरह से। अब 2.5 यहाँ से और 2.5 इंची कंधे की तरफ से दोनों तरफ बराबर रखेंगे। इस तरह मार्का लगा लेंगे। अब दोस्तों अब हमें फ्रंट में जितना तीरा है उतना ही बैक में निशान लगा लेंगे 10.5 इंची पर इस तरह से। अब हमने फ्रंट का जो गला काटा था वो ये 2 इंची गिर गई कंधी। अब इसको सीधा कर लेंगे, इस निशान को भी सीधा करेंगे और अब हमें इसकी चौड़ाई, गले की जो चौड़ाई काटी थी हमने 4.25 इंची चौड़ाई बराबर पर लगाएंगे 4.25, और गहराई हम 2 इंची की देंगे। इस निशान को मिला लेंगे। अब हमें इस कंधी वाले निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम गले की जो राउंड लगाना है 2 इंची पर हम बैक में काटेंगे, इसको इस तरह से राउंड लगा देंगे। अब दोस्तों जो फ्रंट का तैयार फ्रंट है उससे 1 इंची अंदर की तरफ एक मार्का लगाएंगे इस तरह से, और राउंड वाली फंटी से हम इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे इस तरीके से, क्योंकि कंधी पर सही आए और बैक में हल्की लूज आए, और गोलाई इस तरह से देंगे। अब दोस्तों फ्रंट के हमारे मार्का लग गए, बाकी के मार्का सेम रहते हैं, यही मार्का रहते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों बैक और फ्रंट में जो भी कटिंग में चेंजिंग होती है वो सीना तक ही होती है, बाकी नीचे बराबर ही कटता है, आर्मोल तक ही बैक और सामने अलग अलग काटे जाते हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट जो फिटिंग में पैंट चल रही है नैरो मोरी, उसकी कटिंग की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जा कर सीख सकते हो। और कोट की स्लीव या जीन्स की सेम मोहरी बनाने की और जीन्स की कमर करने की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सीख सकते हो। जीन्स में कटिंग करने के बाद कोई पहचान नहीं कर सकता कि इसमें कटिंग हो गई है, इस तरह से समझाया है मैंने, आप भी बना सकते हो ऐसे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जीन्स की मोहरी कम करना, लंबाई कम करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके हमें चटके लगाने हैं, और ये जो है हमने ज़्यादा गुलाई इसलिए नहीं दी है, ज़्यादा गड्ढा, क्योंकि बैक में मोटा आदमी है वो टाइट बताएगा, इसलिए लूज रखा है हमने यहाँ पे। तो दोस्तों अब इसके चटके और लगा लेते हैं। इस तरह से ये हमारे पॉकेट के हैं दोनों बीच वाले चटके। अब इसको इसकी बाजू के लिए हमने 4 लेमे तय कर लिया है कपड़ा, और हाफ बाजू हमारी 10 इंची की,
तो सबसे पहले हम सीधा करेंगे मार्जिन को, इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम 10 इंची और आधा इंची मार्जिन ऊपर के लिए 10.5 इंची पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इस निशान को सीधा करेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमें 1.5 इंची नीचे के मार्जिन के लिए और निशान लगाना है, इस तरह से दोनों तरफ सीधा कर लेंगे। अब हमने ये निशान भी सीधा कर लिया। अब बाजू को ऊपर आर्मोल जो गिराएंगे हम, बाजू का आर्मोल वो हम 4 इंची रखेंगे। 4 इंची पर मार्का लगा लिया। अब फ्रंट में आर्मोल जितना काटा है उतना बाजू में भी रख लेंगे, यानी कि उसमें हमने 11 इंची काटा था फ्रंट में, तो बाजू में भी 11 इंची रख लेंगे। अब इसकी गुलाई दे देंगे यहाँ से, यहाँ 4 इंची तक इस तरह से। अब हमारी बाजू की जो मोहरी हैं वो है 15 का हाफ हुआ 7.5, तो हम 7.5 पर मार्का लगा लेंगे इस तरह से। और 1 इंची लूजिंग छोड़ देंगे हम इस तरह से, लूजिंग छोड़ देंगे। तो अब गोलाई वाली घंटी से, राउंड वाली घंटी से इस निशान को लगा लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों इसके फ्रंट में गड्ढा और देना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिटिंग नहीं आएगी। अब इसको इस तरह से इसमें 1.5 इंची का गड्ढा और देंगे फ्रंट की तरफ यहाँ पे 1.5 इंची। अब दो कपड़े जो सामने में आने उनमें कटिंग करेंगे, बैक वाले में नहीं करेंगे। इस तरह से हमारी बाजू कट के रेडी हो गई। इसमें हम 15 इंची लिख देते हैं ताकि बनाते टाइम हमें नाप की पर्ची ना ढूंढनी पड़े। अब हमें साइड की पॉकेट कटिंग करनी है, तो हमें 7 इंची डबल में कपड़ा बिछा लेना है इस तरह से। अब इस निशान इस कपड़े को सीधा कर लेना है साइड से, और 7 इंची के बाद फिर से सीधा कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी लंबाई रखेंगे दोस्तों 20.5 इंची, साढ़े बीस इंची लंबाई रखेंगे इसकी। 20.5 में ही पॉकेट अच्छी निकल आती है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से अब इसकी दोस्तों थैली और ऊपर का पूरा ही कपड़ा हो गया, ये इसी में से थैली बनेगी साइड वाली।
अब हमें 6.5 इंची की थैली रखेंगे इस तरह से, बाकी ऊपर गुलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब हमें छटका लगा लेंगे थैली का। अब इसको डबल में फोल्ड ऐसे, इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। 6.5 इंची पॉकेट का मुंह है, मार्जिन भी आ जाएगा, सही है। इसको इस तरह से डबल और कर देंगे, यानी 4 लेम हो गया ये। अब इसको ऊपर की तरफ गोलाई बना देंगे, इसमें त्रिकोणी या चौकोर पॉकेट अच्छी नहीं लगती है, गोल पॉकेट अच्छी लगती है, तो हमें इसे गोल कर देंगे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू।